मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र में नाले से एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस हादसे में मौत मानकर चल रही है। दरअसल मामला नई मंडी थाना क्षेत्र के कुकड़ा का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कुकड़ा नाले की पुलिया के समीप एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही नई मंडी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान बिलासपुर गाँव निवासी सुरेश पाल के रूप में हुई है। नाले से शव मिलने की सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण और मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि सुरेश शराब पीने का आदी था, वह बीमार भी रहता था और मजदूरी का कार्य करता था। इस पूरे मामले में पुलिस आशंका जता रही है कि मुजफ्फरनगर से गांव लौटते समय सुरेश नशे में होगा और पुलिया के पास नाले में आकर गिर गया और रात भर पानी में पड़ा होने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक सुरेश के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखो जी, एक मजदूर आदमी था, इसके पीछे भी कोई ऐसी कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई ऐसा लग रहा किसी ने मार दिया। ऐसा लग रहा कि ठंड की वजह से ये पुलिया के यहाँ गिर के, चूँकि इसके मुंह में और नाक में खून है और हम समझते हैं कि हो सके पुलिया से गिर के ठंड की वजह से रात में मर गया हो या किसी ने इसे कुछ कर दिया। इसकी तो जांच करके ही पता लगेगा, पुलिस बताएगी। मुजफ्फरनगर की भोरा कला पुलिस और गौकशों के बीच देर रात जबरदस्त मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से दो गौ हत्यारे घायल हो गए, जबकि दो शातिर गौ हत्यारे पुलिस को चकमा देकर जंगलों के रास्ते मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से एक सिपाही प्रमोद सिंह भी घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस ने गौकशों के कब्जे से एक कुंतल गौमान, दो तमंचे, दर्जन भर कारतूस, एक बाइक, छुरी व भारी मात्रा में गौकशी के उपकरण भी बरामद किए। पुलिस ने पकड़े गए गौकशों से पूछताछ करने के बाद शुक्रवार को दोनों गौ हत्यारों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल मामला देर रात भोरा कला थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव के जंगलों का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस और शातिर गौ हत्यारों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दो शातिर गौ तस्कर सलीम व गुलफाम पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, तो वहीं मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान जंगलों का फायदा उठाकर दो बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए घंटों जंगलों में कॉम्बिंग भी की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गौ हथियारों के कब्जे से एक कुंतल मांस, दो तमंचे, एक छुरी, दर्जन भर कारतूस, एक बाइक और भारी मात्रा में गौकशी के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों शातिर गौकशों से पूछताछ करने के बाद दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। ये थाना भोराकला पुलिस को एक कुछ सूचना मिली थी कि शिकारपुर के जंगल में कुछ लोग गौकशी की घटना, दो गौकशी कर रहे हैं और वो वहाँ गौकशी करने के उपरांत उसका जो मीट है उसे बेचने के लिए जाएंगे। इस सूचना पर थाना भोराकला पुलिस वहाँ गई थी और जब उस जगह पर पहुँची तो वहाँ चार लोग इस तरह का कृत्य कर रहे थे। पुलिस द्वारा जब उन्हें घेरने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें एक कांस्टेबल हमारा घायल हुआ है। उसके उपरांत पुलिस द्वारा भी काउंटर फायरिंग की गई, जिसमें दो गौकशों के गोली लगी, घायल हुए और दो भागने में सफल रहे। इनकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग अभी भी की जा रही, रात भी की गई थी और अभी भी की जा रही है। मौके से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक तमंचा, चार कारतूस जिंदा बरामद हुए हैं, कुछ खोखे कारतूस भी बरामद हुए हैं और इसके अलावा एक छुरी और जो कुछ गौवंश का मीट और उसके अवशेष बरामद हुए हैं, तराजू, बाट इत्यादि भी बरामद हुए हैं। इन सबको कब्जे में लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में मेरठ से आई एंटी करप्शन की टीम ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात एक बाबू को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए लिपिक पर स्कूल की मान्यता कराने के नाम पर स्कूल प्रबंधक से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। स्कूल संचालक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन की टीम ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात लिपिक के पद पर सुनील कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला सिविलांस थाना क्षेत्र का है, जहां विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लिपिक के पद पर तैनात सुनील कुमार को मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लिपिक थाना छपार क्षेत्र के गांव खानपुर में यूनिक हाई स्कूल के प्रबंधक शाहबाज खान से उसके स्कूल की मान्यता दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित स्कूल प्रबंधक शाहबाज के अनुसार उसके स्कूल में मान्यता के सभी मानक पूरे कर लेने के बाद भी उसे मान्यता नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर शाहबाज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सभी अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर था। थकार कर स्कूल प्रबंधक शाहबाज खान रिश्वतखोर लिपिक सुनील कुमार द्वारा मांगी गई रकम देने को राजी हो गया। इसी बाबत शाहबाज ने जिलाधिकारी और एसएसपी से भी मुलाकात की, मगर जिलाधिकारी के
फोन करने के बाद भी रिश्वतखोर लिपिक ने रिश्वत न मिलने पर उसका काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित स्कूल प्रबंधक ने एंटी करप्शन टीम के एसपी राजीव कुमार मल्होत्रा को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद एसपी राजीव कुमार मल्होत्रा ने कार्रवाई के लिए एक एंटी करप्शन की टीम को गठित किया, जो बृहस्पतिवार को मुजफ्फरनगर पहुंच गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता स्कूल प्रबंधक आरोपी बाबू सुनील कुमार द्वारा बताए गए पते पर पैसे लेकर पहुंचा, और जैसे ही स्कूल प्रबंधक ने बाबू सुनील कुमार शर्मा को रिश्वत के 2 लाख रुपए दिए, तभी एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी को 2 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। स्कूल की मान्यता के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में मेरी पत्रावली लंबित है, और आईओएस कार्यालय के जो स्टेनो लिपिक सुनील कुमार जो हैं मुझसे 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं तभी तुम्हारी पत्रावली को आगे हम कार्रवाई के लिए बढ़ाएंगे और तभी कार्रवाई कराएंगे। इस पर जो है भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई की टीम ने कार्रवाई करते हुए आज सुनील कुमार को रंगे हाथ 2 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक की जा रही है। सर कितने दिन से चल रहा है? हमें तो सूचना आज ही प्राप्त हुई है, आज ही कार्रवाई की। रंगे हाथ तो पकड़ा गया है, इसमें मुकदमा कायम कराया जाएगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, जिसमें मुकदमा कायम कराने के बाद आवश्यक कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल तो जो एक ही पकड़ा गया है और उसमें विवेचना का विषय है, जैसे जैसे विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस अनुसार से कार्रवाई की जाएगी। 2 लाख रुपए बरामद हुए। हमारी 2016 में हमने विद्यालय की हाई स्कूल की मान्यता के लिए आगे 2016 से हमारा प्रकरण चल रहा है, 3 सालों से लगातार विद्यालय की जांच होती रही है, अलग अलग अधिकारियों के द्वारा जांच हुई है, लगभग सभी विभागीय जितने भी अधिकारी लोग होते हैं शिक्षा विभाग में वो लगभग सभी जाँचें हमारी हो चुकी हैं, और जाँचें होने के बाद रिपोर्ट यहाँ से कभी जाती है कभी नहीं पहुँचती, कभी गलत पहुँचती है, और उन जाँच बार बार फर्जी शिकायतों को जो विभाग से ही कुछ लोग फर्जी शिकायतें करते हैं, जिसके लिए हमने तहसील में भी एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारी जो जाँच है वो फर्जी शिकायतों पे ना हो। अगर शिकायतकर्ता का कोई जाँच का एफिडेविट लगा हुआ है या शिकायतकर्ता का पता है कि शिकायतकर्ता कौन है तो हमारी जाँच में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फर्जी शिकायतों पे जैसे विभाग भी नहीं ढूंढ सकता कौन है, इस तरह की जांच हमारी ना हो, लेकिन बार बार हुई शिकायतों पे हमारी जांच होती रही है। शिकायतकर्ता लिखता है कि विद्यालय के पास में कमरे नहीं है, विद्यालय के पास जमीन नहीं है, वो फिर अधिकारी जांच करते हैं तो सही रिपोर्ट पाई जाती है। लगातार ऐसे 3 साल से चल रहा है, बहुत पैसा हम लोग दे चुके हैं, 6-7 लाख रुपये से ज़्यादा हमारा जा चुका, किसी पे 10,000, किसी पे 20,000, किसी पे 50,000। अब अंत में आने वाली 7 तारीख में इलाहाबाद मीटिंग थी, मैं सर से मिला कि सर इलाहाबाद 7 तारीख में मीटिंग है और अब तक मेरी फाइल नहीं भेजी गई है, केवल दो दिन बाकी है, 5 तारीख तक फाइल मेरठ पहुंचानी है, आप मेरी फाइल को भेज दीजिए। तो मुझे कहा कि आप 2.5 लाख रुपये लेकर आइए तो आपकी फाइल भेज देंगे, अदरवाइज नहीं जाएगी। मैंने रिक्वेस्ट की, कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँगा, मैं आपको बाद में जितना भी आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा करके दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं माना, बोले अगर आप पैसे दोगे तो फाइल जाएगी अन्यथा नहीं जाएगी। तो 2 दिन से लगातार मैं जो है गया, डीएम साहब के पास गया, इधर उधर गए जो है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई हुई है, डीएम साहब ने फ़ोन करके कहा भी डीएम साहब को कि जब फाइल सही है तो आप भेजिए इसको, एडीएम साहब ने भी उनको कहा है कि जब फाइल हमने खुद फाइल देखी है, एडीएम साहब ने भी फाइल देखी थी, उन्होंने भी कहा कि जब फाइल सही है तो आप इसको भेजिए, लेकिन उन्होंने फाइल को फिर भी नहीं भेजा। तब आ करके जो है ये कहा कि पैसे ले आओ और हम जो है तुम्हारी फाइल भेज देंगे एक दिन के अंदर। उसके बाद आपने अब इन्होंने जो है जिला विद्यालय निरीक्षक से किसी 3 लोगों की कमेटी को जांच सौंपी हुई है, लेकिन वो उनसे जांच सौंप दी लेकिन कराई नहीं गई, 6 दिन से जांच गई हुई है, जांच उन्होंने की नहीं, इसलिए ये जब तक ये नहीं उन्होंने कहा जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक हम जांच नहीं कर सकते, ये कहते हैं कि तुम जल्दी से वो पैसे दो और हम उन्हें बोलते हैं, तो ये तो नहीं सर मैं कह सकता, लेकिन उन्होंने जांच नहीं की। तो लगातार जो है 8 दिन से वो चल रहा है प्रकरण, अभी तक जांच नहीं हुई। मैं फिर पैसे लेकर के इनके पास आया और रंगे हाथ जो है एंटी करप्शन के लोग अधिकारीगणों ने
मेहनत से उनको पकड़ा। और मैं ये कहूँगा सभी को जो पीड़ित हैं कि वो अपनी रिपोर्ट जो है एंटी करप्शन को लिखवाएं, अगर इस तरह का मामला है ऐसा ना दें तो शायद हम आगे भी बचेंगे और लोग काफ़ी लोग जो है इससे जो है बचेंगे। एंटी करप्शन ने हमारा बहुत साथ दिया है, उन्होंने जो है इसको हमारे साथ खड़े हुए और उनको जो है नंगे हाथ पकड़ा। अब हमारी सिर्फ यही एक गुजारिश है जितने भी विभाग के लोग हैं कि हमारी फाइल को 5 तारीख तक मेरठ भेज दें, 7 तारीख में इलाहाबाद मीटिंग है। आगे हमारी मान्यता हो या ना हो, जिस प्रकार की भी जांच हो, वो जांच करके हमारी फाइल को मेरठ भेज दें। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई कैश वैन से 1.5 करोड़ रुपए की लूट, जो कि पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी थी। इस घटना का पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने अनावरण किया है। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से लूट में प्रयुक्त वाहन पिस्टल के साथ कैश वैन से लूट की लगभग आधी रकम भी बरामद हुई है। 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, पर अभी 3 वांछित चल रहे हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि बाकी 3 अभियुक्तों से जल्द ही लूट की बाकी रकम भी बरामद कर ली जाएगी। गौरतलब है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं से पुलिस पर सवाल या निशान खड़ा होता है। शायद ये प्रशासनिक अमले अगर अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। जब कोई अपराधी ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है तभी पुलिस जागती है। आखिर क्यों दिसंबर 2018 की 10 तारीख को वित्तीय संस्थानों से रुपए कलेक्ट कर बैंक में जमा करने वाली एक एजेंसी के कैश वैन से सशस्त्र अपराधियों ने करीब 1.71 करोड़ रुपए लूट लिए थे? हाटा कोतवाली के बकराबाद गाँव के पास हुई इस दुस्साहसिक लूट से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। इतनी बड़ी रकम की लूट का खुलासा करना भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। कुशीनगर जिले के पुलिस कप्तान राजीव नारायण मिश्र के मुताबिक इस लूट का खुलासा करने के लिए जी जान से लगी हुई थी। इसी बीच लुटेरों के बारे में पुलिस को खबर लग गई। लूट की रकम को सुरक्षित जगह पहुंचाने जा रहे अपराधियों को पुलिस ने हाटा कोतवाली के भड़कुलवा के पास घेराबंदी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 46,36,000 के लगभग की रकम और लूट में प्रयुक्त किए गए 2 रिवॉल्वर, बोलेरो व 10 रुपए मूल्य की जमीन के कागजात भी बरामद किए हैं। पुलिस के हत्या चढ़े अपराधियों में सतीश जायसवाल देवरिया जिले के लार कस्बे, राम भवन गोरखपुर जिले के जंगल धूसड़ तथा नागेंद्र बिहार प्रांत के सिवान जनपद का निवासी है। SP ने खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है। आज कुशीनगर पुलिस को प्रातः एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जब एक मुठभेड़ के उपरांत 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये अभियुक्त इनके द्वारा एक बड़ी घटना दिनांक 10 दिसंबर को कारित की गई थी, जब इन्होंने एक रेडियंट कंपनी प्राइवेट कंपनी जो कैश कैरियर का काम करती है, जब ये कैश इसके कर्मचारी और ड्राइवर दो व्यक्ति जब ये वैन में कैश लेकर जा रहे थे, तब हाटा कप्तानगंज मार्ग पर इनके द्वारा ओवरटेक करके और फायर करके कैश लूट लिया गया था और ये धनराशि लगभग 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि थी। पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली, जब इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूटी गई धनराशि में से 47 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद हुए हैं और 10 लाख रुपए के कागजात बरामद हुए हैं, कुछ स्टाम्प बरामद हुए हैं। इस प्रकार लगभग 57 लाख रुपए की बरामदगी कुशीनगर पुलिस द्वारा आज की गई है। इन अभियुक्तों के पास से जो कैश है, और ये सजा याफ्ता भी है, 2016 में इसकी गिरफ्तारी जनपद सिवान में हुई थी और इसके साथ इसका सह अभियुक्त था, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी शेष है मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ये दोनों अभियुक्त सिवान जेल में बंद थे और अभी मतलब पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2018 को ये सिवान जेल से रिहा हुए हैं। रिहा होने के बाद जेल में ही इनको 2 व्यक्ति और मिले, जिनका भी आपराधिक इतिहास है, जो कि अन्य प्रांत के रहने वाले हैं। उनके साथ साठगांठ हुई और इनके द्वारा इस घटना की योजना बनाई गई और घटना को कारित किया गया। की गई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भी कार्रवाई की गई। और इसमें एक चीज मैं आपको और शेयर करना चाहूंगा कि एक मल्टीपल सीसी फुटेज हम लोगों ने कलेक्ट किए थे इस घटना के अनावरण के लिए। गोरखपुर जहां तारामंडल ये रेडिएंट कंपनी जहां पर स्थित है, वहां से लेके रिलायंस पेट्रोल पंप सहजनवा और इसके बाद हाटा कप्तानगंज मार्ग पर जहां पर ये घटना हुई थी, मल्टीपल सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के बाद इनका आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया गया और हमको इसमें सफलता मिली।
किसानों को गन्ना पर्चियां समय से न मिल पाने के विरोध में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजू अहलावत के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने रोहाना गन्ना समिति कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जहां सभी ने इंडेंट के अनुसार गन्ना पर्चियां उपलब्ध कराए जाने की मांग की। वहीं जिला अध्यक्ष राजू अहलावत ने कहा कि सरकार किसान को गन्ना भुगतान के मुद्दे से भटका रही है, जिसके चलते पर्चियों का नया मुद्दा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कैलेंडर के मुताबिक किसानों को पर्चियां उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी तो यह धरना अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील कर दिया जाएगा। देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि हम गन्ना मूल्य और गन्ना भुगतान को छोड़कर इतनी छोटी बात पर यहाँ रोहाना शुगर समिति गन्ना समिति में बैठे हुए हैं। देखो, मामला इस प्रकार है, यहाँ पे किसी भी गांव में पर्ची नहीं जा रही। इंडेंट जो पर्ची का जो क्विंटल है वो 1200-1300 क्विंटल पर गांव का, लेकिन जारी 200-250 प्रति क्विंटल गांव का, और वो भी हफ्ते में एक आध बार। यानी कि हम सारे मुद्दे भूल के कभी पर्ची के मुद्दे पर ला दिया हमें सरकार ने। सारे किसान आए हुए हैं, इस शुगर मिल पे करोड़ों रुपए बकाया है गन्ना भुगतान का, लेकिन अभी तक 154 किसान को भुगतान के नाम पे जारी नहीं की गई। किसी का लोन नाम राशि 37 नाम पे किसान है, उसका लोन था वो किसी दूसरे से काट लिया उसी नाम राशि का। वो किसान यहाँ आया तो उसे मारने की धमकी दी गई, जेल में डालने की धमकी दी गई। तो ये इस सरकार में इन शुगर मिल की तानाशाही हो गई। शुगर मिल ये सोच रही कि जैसे आपने उत्तर प्रदेश सरकार को हाक लिया, ऐसे ही किसान को हाक लेंगे। लेकिन किसान इनके बहकावे में नहीं आएगा, इनसे नहीं डरेगा। उसका टेलर इन्होंने किसान क्रांति यात्रा में देख लिया, आगे 2019 में भी दिखा देंगे टेलर। किसान इस वक्त बहुत मुसीबत में है, ना पर्ची मिल रही है ना भुगतान मिल रहा है। कुछ किसान कह रहे जी के यहाँ जीएम साहब भी नहीं है, तिताई वाले देख रहे हैं मिल को वैसे ही। अब ये दुर्भाग्य तो है कि शुगर मिल को, दो दो शुगर मिल को एक तक जीएम देख रहा है, वो जो तितावी शुगर मिल है उससे बाहर नहीं निकल रहा। ये शुगर मिल इस वक्त लावारिस है, इसका कोई माए बाप नहीं है। इस शुगर मिल के जो किसान है वे लावारिस है, उनका कोई माँ बाप नहीं है। जमकर घटतोली हो रही है। अभी 5-6 दिन पहले हमने घटतोली चेक कराई थी, 1 क्विंटल 5 किलो की घटतोली पाई गई। लेकिन यहाँ पे कुछ किसान है जो इनके ठिकटे के चक्कर में, इनकी चाय के चक्कर में बोल नहीं पा रहे। उन्होंने सब किसानों को डरा धमका रखा हुआ है। आज हम इसी धरने बैठे हैं, उन्हें बुलाया जाएगा कि ये 1 क्विंटल 5 किलो का आप घटतोली के कैसे वापसी करोगे किसानों को। ये धरना कब तक हो जी, नहीं मानते आपकी बात? देखो, धरना का जो हमने जान बूझ कर बड़े सोच समझ कर रखा हुआ है, क्योंकि सामने स्टेट हाईवे भी है और बराबर में रेलवे लाइन भी है। और ये सौभाग्य कह लो दुर्भाग्य कह लो, हमारा धरना हमेशा यहाँ से उठकर रेलवे लाइन पे गया है, और वहां से ही हमारे जो हमारे दुख दर्द है वहां से ही हमारे वे उनका समाधान हुआ है। तो लगता है आज भी हमारा समस्याओं का, किसानों की समस्याओं का समाधान वो रोहाना रेलवे फाटक पे होगा। देवबन शुगर मिल के जीएम पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ये तो यहाँ के जो लोकल के वही नहीं आके दे रहे, वही अपने आपको मुख्यमंत्री माने बैठे अभी तो। जनपद मुजफ्फरनगर में 151 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां गुरुवार को फुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के रई स्थित भूमि पर पूजन किया गया। इस दौरान भाजपा विधायक भी शामिल रहे, जहां भारी संख्या में लोगों ने भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। जहां भूमि पूजन के उपरांत भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले तिरंगा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा सरकार का जमकर गुणगान किया गया। हमारे भी मेरे क्षेत्र के लोगों को भी, मेरी पार्टी के लोगों को, ये पार्टी का कार्यक्रम था, मेरा किले का नहीं। 151 फुट का ध्वज रामपुर तेराया जो उत्तराखंड से पहले प्रदेश में ही था, केरला प्रदेश था, तो यहाँ जो वो काम हुआ था, शहीद हुए थे लोग, उनकी याद में अपनी लोग थे सब लोग, उनकी याद में राष्ट्रीय और ये हमारा जो क्षेत्र है, एससी क्षेत्र है, एससी विधानसभा है, तो जिले में 6 विधानसभा है। तो क्योंकि यहाँ जब मैं लोगों से बात करता था तो लोगों ने मुझे, मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे बताया कि आप अच्छा रामपुर तेरा एक तेरा है कि जहाँ से गुजर कर हरिद्वार को लोग जाते हैं, तो देश और दुनिया के लोग जाते हैं हरिद्वार घूमने। तो यहाँ को लोग निकलते थे एक राष्ट्रीय ध्वज सबकी उसमें से सलाम करते सब लोग चाहिए, तो इसलिए ध्वज लगाया गया है। और ये भी ध्वज नहीं, आज तो पूजन हुआ है, तो मैं चाहता हूँ जिस दिन ध्वज लहराएगा तो उस दिन मेरी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जिले के और दोनों प्रांत के, केंद्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और अपने प्रदेश के नेता, केंद्र तीनों लोग यहाँ, तीनों इसमें रहेंगे। इसलिए मैं नया पत्थर पर भी तीन मूर्ति जो रामपुर चला गया, तीन सांसद जी को बुलाया था। सांसद जी इसलिए नहीं आए, तो आज व्हिप जारी हो चुका था। मेरी बात सुबह भी संजीव जी से हुई, भारतेंद्र से हुई, माधव लखनपाल जी से, कि विधायक जी हम आते जरूर, हमने यहाँ दिल्ली से आने के लिए तैयारी हो जाए, मगर एक व्हिप जारी होगा लोकसभा में कि सब लोग यहीं रहना, तो इसलिए मेरी मजबूरी थी। तीनों यहाँ मेरे हर हिंदू लोकसभा
कि हमने और अपना मुजफ्फरनगर के अल्लाह लगा तो ये राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया उनके सम्मान में उन्हीं के लिए याद में, क्योंकि हम लोग देश के जो हमारे जवान हैं इसमें राष्ट्रीय ध्वज में लपेट कर जान दे अपने शहीद अपने देश की सुरक्षा के लिए। एसएसपी मुजफ्फरनगर सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना ककरोली पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली है, जहां एक और पुलिस टीम ने थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह अम्बावत के नेतृत्व में शातिर वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर गो तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाह और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो वाहनों को चोरी कर उनके फर्जी आरसी और कागजात बनाकर उन्हें देहात क्षेत्रों में बेचा करते थे। पुलिस ने पकड़ गए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। देखिए, ये एक पुलिस मुठभेड़ में एक वाहन शातिर वाहन चोर पकड़ा गया है और इसके पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें इसकी निशानदेही पर बरामद हुई हैं। 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये इनके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है, एक फर्जी आरसी भी बरामद हुई है। ये शातिर वाहन चोर गिरोह है और इसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला है। इनके ऊपर लंबा आपराधिक इतिहास है। कुछ दिनों पूर्व इसी थाना क्षेत्र में कुछ और मोटरसाइकिलें पकड़ी गई थी, वो भी इसी ग्रोह का एक हिस्सा था और आगे दोबारा से फिर काम शुरू किया जाएगा और इसके जो बाकी ग्रोह के सदस्य हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। तो ये एक अच्छा गुटवर्क है, इसलिए 5,000 रुपये इनाम मेरे द्वारा जो थाना पुलिस टीम है उसे दिया गया है। ये एक आरोपी गोकशे का पकड़ा गया है और ये लगभग 1 माह से वांटेड था। ये बहुत ही शातिर बदमाश है और इसके द्वारा अपने पास एक कंट्री मेट जो कि फैक्ट्री मेट जैसी लगती है, एक सिंगल बैरल की बंदूक भी रखी गई है जो इसके पास से बरामद हुई है और ये अपने रक्षा के लिए या दूसरों को धमकाने के लिए दोनों ही पर्पस से ये नंबर 2 का असला रखा करते थे और गौकशी घटना किया करते थे। कहाँ से पकड़ा गया सर? देखिए, ये थाना करपली क्षेत्र से ही पकड़ा गया है और सब चीज़ प्रेस नोट में लिखी। नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार जन्मदेव खंडूरी के आदेशों के अनुसार लक्सर कोतवाली पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से गश्ती के दौरान अवैध शराब के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अशोक कुमार पुत्र छत्रपाल गुप्ता निवासी खानपुर ब्रह्मपुर लक्सर के पास से 96 पौवे अवैध देशी शराब के बरामद किए हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति ग्राम महाराजपुर कला के रास्ते महाराजपुर खुतर जा रहा था, जिसे 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि लक्सर कोतवाल अमरचंद शर्मा ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। अभियान के तहत आए दिन कई शराब माफियाओं को हिरासत में लिया जाता है, जिसके बाद अब शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब के अबोहर में सरकारी अस्पताल में विगत माह ठेकेदार द्वारा निकाले गए 4 कर्मचारी को बहाल करवाने के लिए संघर्षरत किसान मजदूर मुलाजिम तालमेल संघर्ष कमेटी द्वारा जहां पिछले लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है, आज उसी के तहत संघर्ष कमेटी के सैकड़ों सदस्यों ने अस्पताल के बाहर धरना लगाकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और यूनियन द्वारा आज किए जाने वाले मटका फोड़ प्रदर्शन को एसडीएम के आश्वासन मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है। सिविल हस्पताल से इस ठेके के कड्डे मुलाजमान का संघर्ष चल रहा है, वो पहला डी क्लास 4 इंप्लाई यूनियन ने केस लड़िया, उस बाद जो ये प्रशासन ने बिल्कुल सानू नहीं मनिया तो उस तो बाद जो साड़ी कमेटी को केस आया तो उस तो बाद असी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस तो बाद पिछले 21 तरीक नूं असी संघर्ष किया, उत्थे चक्का जाम किया तो उत्थे सानू डीएसपी साहब ने विश्वास दवाया कि तुहाडे मसले का हल जल्दी, क्योंकि 33 चोणां नूं उस तो बाद जल्दी हल कर दिता जाऊगा, परंतु उस तो बाद सानू इंसाफ ना मिलता वेख के असी कड़े पन गुजारा रखने का प्रोग्राम उड़ीकिया, जिस ते सानू कल एसडीएम साहब ने बुलाया, उत्थे गलबात भी हुई भी तुहाडी जल्दी ही गलबात करवा दी जाऊगी, क्योंकि सानू ये पता लग गया कि एसडीएम साहब छुट्टी चल रहे हैं। तो उस तो बाद अज फिर इंस्पैक्टर थाना सिटी नंबर 1 ने सानू बुला के यह कहा भी तुहाडी एसडीएम साहब नाल गलबात करा देनी है, अगर जो साथी जी ने जिस तरह दस्या भी जे अगर साडा मसला हल नहीं हुंदा तां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का प्रेस सैकटरी होने के नाते जां मैं पीडब्ल्यूडी फील्ड एंड वर्कशॉप का स्टेट आगू होने के नाते ये विश्वास दवाना कि जिनी देर तक यह मसला हल नहीं हुंदा चाहे सानू स्टेट लेवल ते लड़ना पिया तां वी इत्थे जरूर मसले का हल करवा करावांगे। जय जनता, जय संघर्ष, जय जनता। एक तनखा तुहानू कड़े महीने की नहीं मिलेगी? तो कई नलवरी ना ठेके जो काम करते उन्होंने मुलाजम ने हाले तनखा बकाया पई है, तो भी असं कुल मिला के जी जो भी मसले साढ़े ने उन्होंने ठेक तो नौकरी रखा जो बकाया
जे मृतक गुट्टा राम के साथी के वारसा भी नौकरी दवाना जो मंगा ने मनवा के रवान। सर जी साडा दसवें ग्यारहवें धरना हो गया। यह धरना गुरप्रीत इतों के हस्पताल का प्रशासन जरा इन्होंने रल के साढ़े कुछ बंद ने मुलाजमान ने आवाज उठाई से उन्हों को नगद 1300 रुपया लैके 7300 रुपए का चेक दिता जाता से उन्होंने सच की आवाज उठाने कारण उन्हें चार मुलाजमान पंजा मुलाजमान इन्होंने कढ़ दिता। उस संबंध में साढ़े जो हबोर के जथेबंदियां किसान मजदूर तालमेल संघर्ष कमेटी वो इन मुलाजमान का पूरा साथ दे रहे हैं, सच की खातर साथ दे रहे हैं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिहड़ा हस्पताल का प्रशासन है ये साडी गल नहीं सुन रहा, ये कोई जूने सरकारी हस्पताल बंद की लोड़ है, डॉक्टर को बंद की लोड़ है। पहला भी स्टाफ दसदा सीगा भी डायरेक्टर की चिट्ठी आई है तो डॉक्टर को बंदे चाहिए है। अज असं पुछते हो डायरेक्टर की चिट्ठी किधर गई है? अज वो डॉक्टर के गेटा मूहरे प्राइवेट लबोरटरिया बंदे बिठाए हुए हैं। एस एम ओ की मौजूदगी एस एम ओ पता इन्नी लुट हो रही है, टैसट बहरों दुगने रेटा के हो रहे हैं। कोई भी इस लुट की जी हो रही है वह कोई साथ नहीं दे रहा। तो जोड़ा माहौल है सरकार का वो रिश्वत वाले पास जा रहा। जो सा मुलाजम कटे गए से बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने सच की आवाज उठाई सी भी साढ़े तो जो 1300 रुपया लिया जाता बंद कराया जाए। तो असं गरीब बंदे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, तो साडा जोड़ा गुजारा वधिया चल सके उस संबंध में ठेकेदार ने इतों के प्रशासन रल के चार बंदे कढ़ते तो अज दर दर ठोकर खा रहे हैं। ये नहीं पता किसी नशे की लहर के वड़ जाए तो आपकी जिंदगी भी वह गवा सकते हैं। पर असं इतों के एस ओ इतों के डी सी अपील करते हैं कि साढ़े बच्चे रखाए जा, बच्चों के सिर पर हाथ रखा जाए तो सानू संघर्ष ना करने पैन। असं इन्हें वेले नहीं है, असं मेहनती बंदे हैं तो सानू वेले ना समझे जाए। इन्निया मैं गल जय जनता जय संघर्ष जित संघर्ष करने वाले। एक तुहाडे बंदे कह रहे विचों भी उन्होंने बाहर कमिशन रखिया हुई वा उनके बारे तुसी की कहना चाहते हो? एस डी साहब ने सानू कल भी यही सानू प्रशासन ने कल भी साढ़े प्रशासन ने संघर्ष कमेटी के नाल जिहड़ा कि मीटिंग का करवाने की कोशिश की। कल शामी फिर सामने एस डी साहब ने मीटिंग हुई, चार बंदे अं कोठी गए, चार बंदे बुलाए ही उन्होंने। कल डी सी साहब ने इन्हों बुलाया कि जो बोर शहर का ये जो माहौल जोड़ा खराब हो रहा है जा चौंक जाम किए जा रहे हैं वो इस करके भी चार 21 तरीक न इन्होंने सानू भरोसा दवाया है भी अं 4 तरीक तो पहला पहला जोड़े थोड़े मीटिंग करावे एस एम ओ नाल सिविल सर्जन ना। इस करके कल इन्होंने डी सी साहब ने उठे इन्हों बुलाया कुछ जोड़ा सिविल सर्जन आल बेईमानी आ बहुत वही बेईमानी आ जिते अं पहला जथेबंदियां गल कहने उ अज एस डी साहब ने भी गल कही जोड़ा सिविल सर्जन आ बंदे रखने लिए तैयार नहीं, कोई बिंगिया टेढ़िया जी गल करता है। पर एस डी एम साहब ने साड़ी बहुत वधिया सुनी, उन्होंने गल कही उस टाइम पर ठेकेदार जोड़ा नवा ठेकेदार आया वह भी उन्हें नंबर लिया, उन्होंने भी गल हुई। पर ठेकेदार बाद शायद नहीं आया तो कल का अज का सानू उन्हें भरोसा दिता है भी अज जो बैठ के मैं गलबात कराऊगी। पर एस डी एम साहब ने जो इतने साढ़े शुरू च आए धरने से बड़े जोड़े इंस्पैक्टर साहब वो आए इतने कहते भी एस डी एम साहब ने तू बुलाया अं फिर अपनी कमेटी 8 बंदे गए उत्थे गलबात हुई साड़ी। एस डी एम साहब ने सानू पहला वो गलबात हुई सी ठेकेदार एस एम ओ नाल वो कह लगे जी जेडे बंदे कढ़े आ ये सपाई सेवक ही
मैं उन्होंने आ गलबात हो गई है सफाई सेवक रख लें असी उत्थे ये गल कही भी जेडे ये साढ़े नौजवान वीर जेडे कढ़े हुए आ ये पढ़े लिखे ने ये सफाई से किवें लग जाएंगे ये जिथे वो टेंडर की वो असी उत्थे जवाब देता एस डी एम साहब ने फिर एस एम ओ नूं फोन किया कि वो इस गल ते नहीं मन रहे जिहड़ा कि महला जिहड़ा मैं सिफारिश करदी हाँ कि ये बंदे जिहड़े इन्हां नाल मीटिंग करके ते जिहड़ा महला हल किया जाए वो कल दा एस एम ओ ने कहा मैं चंडीगढ़ हाँ मैं कल नूं आजूगी मैं संघर्ष कमेटी दे नाल मीटिंग करूँगी जे कल साडा नाम किसी सिरे चढ़िया असी भावें जो मर्जी हो जाए पर ये जिहड़े वर्कर कढ़े हुए आ ये असी संघर्ष कमेटी जिहड़ी साडी आ असीं पहलां भी बहुत संघर्ष लड़े आ अज कोई पहला संघर्ष नहीं गा पर यह जिहड़ा संघर्ष हस्पताल दे कोई आही दोनों नूं यह गल कहिंदे जिहड़े विच एस एम ओ नूं खराब कर रहे ने गलत उन्हों कह रहे ने उन्होंने गल बहुत माड़ी आ अस्पताल का जोड़ा इन्होंने उन्होंने जोड़े कि इतने उंगला लाते उन्होंने माहौल जोड़ा बहुत ज़्यादा खराब किया अस्पताल का नहीं तो साढ़े बंदे जोड़े रखे जाने ही एस एम ओ जलूस उन्होंने कढ़ाया कढ़ाई जाते हैं पर बंद मूँह की खाने पैनी है भावें जिस तरह मर्जी कर लैन असी अपने वर्कर जिन्हें चर नहीं रखा रखे अस्पताल का नहीं छड़ा ये बंदे जोड़े रखावे क्यों उत्थे पहला एस एम ओ ने बयान दिता है कि ठेकेदार जिहड़ा पुराना ठेकेदार अहीं कैंसल करता ठेका नवा ठेकेदार आया अहीं पहल के आधार से जिहड़े कि बंदे जिहड़े पहल के आधार से रखावांगे इस करके उन्होंने विश्वास दिता कल नूं हो सकता भी साढ़े बंदे जिहदे रख लेंगे ठीक आ नहीं तो संघर्ष जिहड़ा साडा इहदे वी ज़्यादा तेज होगा करांगे भावें सानूं इत्थे तंबू लाने पैण चाननियां लाउणियां पै जाण भुख हड़ताल रखनी पै जाए वो तो मतलब भी अं कल की मीटिंग में विचारा भी अं अगे की प्रोग्राम करना जे सा एस एम ओ के नाल मीटिंग जे साढ़े साथियों रख लिया फिर साढ़ा तो चलो ठीक है अं तो बंदे ही रखाने असं कोई गलत काम नहीं कराते इस करके साथियों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता जिमें साड़ी संघर्ष कमेटी या प्रधान ज कोई साढ़े जनरल सैकटरी है जो कमेटी है वो जोड़ा भी प्रोग्राम निकलेंगे जनपद बागपत के कलेक्ट्रेट पर आंगनबाड़ियों का धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट प्रभारी और एडीएम बागपत ने आंगनबाड़ियों को धमकाकर उठाने का प्रयास किया जिसको लेकर कलेक्ट्रेट प्रभारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच नोकझोंक भी हो गई। बाद में कलेक्ट्रेट प्रभारी ने लाउड स्पीकर का तार तोड़ दिया जिससे गुस्साए आंगनबाड़ियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन का जहरवैया देकर रोष भी जताया। उन्होंने मांगे पूरी न होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। दरअसल पूरा मामला बागपत कलेक्ट्रेट का है जहाँ पर आंगनबाड़ियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी डीपीओ के गलत व्यवहार की वजह से बागपत कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रही है जिसकी वजह से वह लाउड स्पीकर से नारेबाजी कर रही थी। धरना प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर कलेक्ट्रेट प्रभारी गुलशन कुमार और एडीएम अनिल कुमार मिश्रा पहुंचे और लाउड स्पीकर को बंद करने के लिए कहा और धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए भी कहा, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ियां कलेक्ट्रेट प्रांगण में डटी रही जिसके कारणवश कलेक्ट्रेट प्रभारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने लाउड स्पीकर के तार तोड़ दिए। इसी वजह से आंगनबाड़ियों ने अपना रोष जताया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ियों की कलेक्ट्रेट प्रभारी से नोकझोंक भी हुई। इसके बाद कलेक्टर प्रभारी वहां से चले गए। हाँ जी, उन्होंने मना किया कि जो हम लोग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और माइक की आवाज बहुत दूर तक जा रही है। हमारी मांगों पे उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ उनका ध्यान अपने ऊपर है कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या क्या किया उन्होंने आपके साथ? उन्होंने यहाँ पे आए और जो हमारी बहनें हैं उनके साथ मतलब अभद्रता की, उनके शब्द बिल्कुल सम्मानजनक नहीं थे। उन्होंने माइक बंद करा दिया है और माइक जब्त करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कल धरने पे आती है तो कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया जाए। क्या हम अपनी मांगों को मनाने के लिए और क्या हम अपने हक के लिए कलेक्ट्रेट पर नहीं आ सकते हैं? ये लोग प्रभावित होते हैं, ये लोग कहते हैं हमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्यों हमारी मांगे नहीं सुनते हैं? ये क्यों अनसुना करते हैं महिलाओं को? और क्या कुछ भी और भी कहा है क्या परमिशन के लिए? क्या कहा? हाँ जी, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास माइक की परमिशन है?
क्या तुम्हारे पास धरने की परमिशन है? एसडीएम सर से परमिशन लेके आइए। हम लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, हम 10 दिन से लेटर लगा रखा है, हमने डीएम सर को नोटिस भी दिया है कि हम लोग परेशान हैं, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। धरना किस लिए दे रहे हो? धरना हमारा धरने का मेन मकसद है, जो हमारी प्रभारी है, डीपीओ प्रभारी है बीना बजाज, उनके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका भ्रष्टाचार और अत्याचार इतना बढ़ गया है कि वो क्या करती है, जो आंगनवाड़ियां 10 साल से शादी करके चली गई हैं, उनको मानदेय बराबर मिल रहा है, लेकिन जो बहनें केंद्र चला रही है उनका शोषण किया जा रहा है, उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है, नहीं दिया जा रहा है तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही है। यही हमारी डिमांड है कि निर्विरोध, मतलब हमारी यही डिमांड है कि हमारी बहनों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और बीना बजाज को डीपीओ पद से हटाया जाए। जब तक वो डीपीओ पद से, अभी तक तो हमने योगेश दामा जी को अपना ज्ञापन दिया था, विधायक जी को और डीएम को, हमने अपना पहला ज्ञापन हम डीएम सर को देके गए थे, उसके बाद हम नोटिस देके गए थे, और उसके बाद अभी कल हम लोग धरना देके गए, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा, तो हमने ज्ञापन नहीं दिया, क्योंकि अगर मांगे पूरी नहीं होगी क्या करोगे? अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये और उग्र होगा, और आज तो रात को हमारी बहनें यहीं पर रुकेंगी। जैसा कि आप अवगत ही हैं कि मैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट प्रभारी हूँ, सुबह जिलाधिकारी महोदय जब आए थे तो उन्होंने आते ही इसको देखा कि कुछ महिलाएं इधर बैठी हुई हैं और उन्हें माइक वगैरह लगाया हुआ है, तो सर के निर्देशों में मैंने दोबारा इनको डायरेक्शन दिए गए कि क्या मैं आप माइक लगाने के लिए पहले संबंधित एसडीएम से या डीएम से जो है परमिशन ले लें, और कलेक्ट्रेट परिसर में सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से ही आप धरना प्रदर्शन करें। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर अपना स्थल ही बदल दिया, उस साइड दूसरी साइड में जहाँ धरना स्थल नहीं है, परंपरा के विपरीत जो है वहाँ धरना देने का प्रयास किया, और फिर एक माइक भी लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि जो हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में जितने भी ऑफिस हैं उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को दिक्कतें होने लगी, परेशानी होने लगी। फिर उसके बाद एडीएम साहब ने मुझको बुलाया और हम लोग एडीएम साहब के साथ टीम बना गए और उनको निर्देश कर दिया गया कि क्या मैं भाई इसको हटा लीजिए, वो लोग सब सहमत हो गई हैं कि कल से जो धरना स्थल बदल लेंगी और माइक का प्रयोग नहीं करेंगी। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में युवक की अपहरण के बाद पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका शव जंगल में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों द्वारा पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है, जहां के रहने वाले मोहित पुत्र मुकेश का शव कोताना गांव के जंगलों में मिला है। बताया जा रहा है कि मोहित रिक्शा चलाता था और आज भी सुबह के समय घर से काम पर निकला था, लेकिन रास्ते में दो बाइक सवारों ने उसे गन पॉइंट पर लेकर रोक लिया और अपहरण कर फरार हो गए, जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। लेकिन आरोप है कि बड़ौत कोतवाली पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया और पीड़ितों को ही उल्टा कोतवाली में बैठा लिया। पीड़ित परिजन अपने बेटे को तलाश करने के लिए पुलिस से गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी किसी ने कोई मदद नहीं की। काफी तलाश करने के बावजूद भी मोहित का कोई सुराग नहीं लग सका, लेकिन शाम के समय पुलिस को सूचना मिली कि कोताना गांव के जंगल में एक युवक का शव पड़ा है, जिसकी शिनाख्त पुलिस ने मोहित पुत्र मुकेश के रूप में की और उसके बाद मोहित के परिजनों को जानकारी दी। वहीं पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही और मामले की शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों के अनुसार उनका खेकड़ी गांव के रहने वाले उनके रिश्तेदार से किसी बात को लेकर पुराना विवाद था, जिसको लेकर उन्होंने अपने रिश्तेदार अजय लोकेंद्र को नामजद करते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस इस मामले को रंजिशन मानते हुए पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी व मामले के खुलासे की बात कह रही है। मेरे भाई को आज सुबह 8 बजे उठा के ले गए और उसका अजय था और उसके साथ दो और थे, उन्होंने सबने पता नहीं कहाँ पे लेके गए ये नहीं पता, और हमने यहाँ पे रिपोर्ट कराई। आके रिपोर्ट कराने के बाद ये कह लगे कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम खुद छुपा रखा है तुमने और तुम्हें पता है कहाँ है, और अंदर बिठा लिया हमें और हमें कुछ भी कार्रवाई नहीं की, और अब 2 बजे ये कहते हैं कि तुम्हारे लड़के की हत्या हो गई है, ये हमें नेट पर दिखाते हैं, तो अब हमें कुछ भी इनसे कुछ भी समाधान नहीं मिला, अब हम क्या करें। मोहित नाम युवक की सुबह उसके घर वाले सूचना दिए थे करीब 8:30 बजे का, तो उसका लड़का गायब है। पुलिस ने उसकी छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी, लेकिन 3 बजे के आसपास सूचना मिली थी कोताना गांव में भट्टे के पीछे गन्ने खेत में डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस सुबह मौके पर गए, उसको डेड बॉडी को जब लेनाथ गए तो उसी लड़के का डेड बॉडी निकली। उसका एक अपने रिश्तेदारों से ही रंजिश चल रही है, जिन्होंने लिखित तहरीर दिया उनके खिलाफ, उनका पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का आरोप ये है कि वो थाने में शिकायत करने के लिए गए थे, पुलिस ने उन्हें कह दिया कि आप अपहरण की झूठी साजिश रच रहे हैं, इसमें क्या मतलब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई थी और उसको लेकर के बाकी उसको छानबीन की जा रही थी, क्योंकि इन्हीं के परिजनों का ही कोई मामला चल रहा जिससे रंजिश चल रही है, उस पर शक कर रहे थे,
और उनके खिलाफ मुकदमा पंच करके कार्रवाई की जा रही है। बागपत के छपरौली पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। तीन बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चार ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। यह तमाम ट्रैक्टर बागपत जनपद, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि जनपदों से लूटे गए थे। ट्रैक्टर लूटने के बाद आरोपी बदमाश उनका चेसिस नंबर बदलकर ट्रैक्टर को बेच देते थे। छपरौली पुलिस ने कस्बे से बदमाशों की गिरफ्तारी करते हुए एक बाइक सहित चार ट्रैक्टर को बरामद किया है। पकड़े गए चोरों के नाम आस मोहम्मद, इंतजार और प्रशांत है। आस मोहम्मद गन्ना मिलों के बाहर से ट्रैक्टर चोरी करने के बाद प्रशांत को हैंडओवर कर देता था, जिसके बाद प्रशांत ट्रैक्टरों की पहचान और चेसिस नंबर बदलकर उन्हें ग्राहकों को बेच देता था। इस गैंग के सभी सदस्यों के बारे में पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि इन तीनों बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रैक्टर लूट की आधा दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। यह गैंग बागपत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में सक्रिय था। छपरौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। निशानदेही पर पुलिस ने इन बदमाशों के पास से ट्रैक्टर और बाइक बरामद की है। छपरौली पुलिस इस खुलासे को बड़ी सफलता मानकर चल रही है और माना जा रहा है कि इस गैंग के पकड़े जाने के बाद जनपद और आसपास के जनपदों में हो रही ट्रैक्टर लूट की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। एसपी ऑफिस बागपत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एडिशनल एसपी राजेश कुमार पांडे ने बदमाशों के बारे में जानकारी दी। राजेश कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर चोर गैंग के तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है। आज छपरौली पुलिस ने इंस्पेक्टर छपरौली के नेतृत्व में एक बड़ा भंडाफोड़ किया है। इसमें ट्रैक्टर चोरों का एक पूरा गैंग पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य रूप से आस मोहम्मद, प्रशांत और इंतजार, ये तीन चोर पकड़े गए हैं। जिसमें आस मोहम्मद बेसिकली विभिन्न सुगर मिलों से, बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर और शामली तक में सुगर मिले हैं, उनके बाहर से विशेष रूप से महिंद्रा के ट्रैक्टरों को चोरी करते थे और चोरी करके ये क्या कहते हैं प्रशांत को हैंडओवर करते थे, प्रशांत और इंतजार जो इसका डिस्पोजल करते थे विभिन्न जगहों पर बेच के। तो आज छपरौली पुलिस ने विशेष रूप से सराहनीय कार्य किया है और इनको ट्रेस आउट किया है। चार ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं, साथ में एक बाइक भी बरामद की गई है। इनको न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। आगामी 8 और 9 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए सीआईटी यूसीटी फरीदाबाद के कर्मचारियों ने बल्लभगढ़ में रेस्ट हाउस के सामने गेट मीटिंग पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर के अलावा इस तरीके से लगे हुए कच्चे कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। वे कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिनिमम वेतन 18,000 रुपए दिया जाए। दिखाई दे रहे कर्मचारी सीआईटी यूसीटी फरीदाबाद के हैं, जिन्होंने बल्लभगढ़ के रेस्ट हाउस पर गेट मीटिंग की है। इस मौके पर आशा वर्कर और मिड डे मील वर्करों की तरफ से महिला कर्मचारी नेताओं ने मीटिंग में हिस्सा लिया और अपनी मांगों को रखा। कर्मचारी नेता जय भगवान ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों के लिए 8 और 9 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल है, जिसे सफल बनाने के लिए फरीदाबाद के अलग अलग जगहों पर कर्मचारी इकट्ठा होकर हड़ताल की रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार कच्चे कर्मचारी को स्थायी करे और उन्हें बीएफ के अलावा ईएसआई फंड आदि शुरू करे, ताकि मजदूर अपना जीवन यापन ढंग से कर सके। उन्होंने कहा कि कर्मचारी आज महंगाई के जमाने में काफी दिक्कतों से गुजर रहा है। कर्मचारी मजदूरों की मांगों को उठाने के लिए यह हड़ताल की जा रही है, जिससे देश भर में कच्चे कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ये विषय 8 और 9 जनवरी को पूरे देश में मजदूर और कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियों में ही आज ये फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में जनरल बॉडी की गेट मीटिंग की जा रही है। अभी मिड डे मील वर्कर्स की सैकड़ों महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, उनकी मीटिंग ली जा रही है। और इस 8 और 9 जनवरी की हड़ताल का जो मकसद है वो ये है कि सरकार ये परियोजना कर्मचारी हैं, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स, इनको सबको कर्मचारी का दर्जा दे और जो न्यूनतम वेतन है कम से कम वो सरकार को जारी करना चाहिए, जो 7वां वेतन आयोग बोलता है 18,000। बड़े शर्म की बात है कि इनको 2-3 हज़ार रुपये में, 4,000 रुपये में गुजारा करना पड़ रहा है, इतना बड़ा शोषण किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो सरकार, जो एक तरीके से सरकारी विभागों के अंदर भी बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स के तहत बड़े पैमाने पर कर्मचारी आज के दिन काम कर रहे हैं, रेगुलर भर्ती हो नहीं रही है। तो हमारी मांग है कि स्थाई नेचर का जो काम है, स्थाई प्रकृति का जो काम है, उसकी जगह स्थाई नौकरी ही होनी चाहिए। और अभी हरियाणा के अंदर ही 7 लाख नई नौकरियां भर्ती की जा सकती है अगर हरियाणा सरकार चाहे। तो दूसरी मांग हमारी है कि सभी को स्थाई किया जाए और जितने भी खाली पड़े पद हैं उन पर स्थाई भर्ती की जाए। तीसरा, हम ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा कानून है, पेंशन है, ईएसआई है, पीएफ है, वो तमाम मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए वो लागू होने चाहिए। एक जो प्रमुख मांग है हमारी वो ये है कि केंद्र की सरकार बीजेपी की वो मजदूरों के कानूनों में बदलाव करने जा रही है और वो श्रम कानून जो अभी तक अंग्रेजों के टाइम से भी जो आंदोलन लड़के हासिल किए थे उनको ख़त्म कर रही है। यूनियन बनाने का अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, न्यूनतम वेतन का अधिकार, ग्रेच्युटी का अधिकार, ये तमाम अधिकारों पर हमला कर रही है और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। सरकार उसको संसद में पेश करके पास करने की तैयारी में है, तो हमारा बड़ा विरोध इसको लेके है कि हम इन कानूनों को, जो हमारे मजदूरों ने बड़ी लंबी लड़ाइयों के बाद हासिल किए हैं, इनको ख़त्म नहीं होने देंगे। उन अधिकारों को हम ज्यों के त्यों रखेंगे। अगर मजदूरों के पक्ष में कोई बदलाव हो
तो उसको स्वीकार किया जा सकता है, वरना जो है ये सरकार पूंजीपतियों के हित में इसको बदल रही है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्रमुख तौर पर ये मुद्दे सरकार के अंदर 7 और 8 तारीख को प्रदर्शन करेंगे आप? नहीं नहीं, 7 और 8 और 9 जनवरी, 8 और 9 जनवरी, 8 जनवरी को। उसके बाद भी नहीं चेतती है सरकार तो क्या करेंगे आप? देखिए, ये आंदोलनों की बड़ी श्रृंखला है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। इस मोदी के राज में 2 बार पहले भी हड़ताल हो चुकी हैं और अभी भी बीजेपी के सरकार में ये 2 दिन की हड़ताल हो रही है। और हम कुल मिला के देश में एक संदेश ये देना चाहते हैं, और मजदूर अपनी बातचीत, क्योंकि इस देश के उत्पादन में बड़ा योगदान मजदूर और कर्मचारी का है, उसके बारे में सरकार कोई बात नहीं कर रही है। तो कम से कम ये पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में और विपक्ष में है, उनका एक एजेंडा बने, और 2 दिन की हड़ताल में हमें उम्मीद है कि 20 करोड़ के करीब जो मजदूर और कर्मचारी मेहनतकश लोग इस हड़ताल में शामिल होंगे और इस सरकार को सोचने पे मजबूर करेंगे। और अगर सरकार जो नहीं सोची तो निश्चित तौर पर ये सरकार जो बेदखल होगी सत्ता से, ये सत्ता में रह नहीं सकती, मजदूरों के अधिकारों पर अगर हमला करेगी। विशेष जी, एक तो हमारी सरकार के खिलाफ, क्योंकि हमारा जो मिड डे मील है वो सबसे कमजोर वर्ग है और सबसे ज़्यादा शोषण है इनका। जब हमारी ये मांग है सरकार से, जब आप देश का भविष्य जो बच्चे हैं उनको आप मानते हो, तो इनको रोजगार देना बहुत ज़रूरी है। स्थाई रोजगार दीजिए आप, जब काम स्थाई है, परमानेंट बच्चे रहेंगे स्कूलों में, आप स्कूल देश का भविष्य सुधारना चाहते हो और उन बच्चों का ये काम करती हैं, इनका ही शोषण करोगे तो आने वाले टाइम में कैसे हमारे देश का सुधार होगा। मतलब हम ये चाहते हैं इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाते हैं, कम से कम 18,000 मिनिमम वेज जो इनको मिलना चाहिए, जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ये इनसे इतने काम लिए जाते हैं स्कूल में, ये सारे काम करती हैं, मिड डे मील के साथ साथ में झाड़ू लगाना और पीएन का काम, चौकीदारी का काम, सफाई का काम, सारे काम ये करती हैं, और इनको जो है कुछ भी नहीं मिलता। मेहनताने के नाम पे बहुत ज़्यादा शोषण है और इनको धक्के खाने पड़ते हैं, मेडिकल देना पड़ता है 6 महीने में, साल में दोबारा जो कि एक बार होना चाहिए। बहुत ही मतलब गरीब तबका है ये, जो इनका जो शोषण सबसे ज़्यादा है। हम सरकार से मांग करेंगे कि इनको स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। चुनाव आने को है, ऐसे में जहां विपक्ष ने घोषणाओं का अंबार लगा दिया है, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। इसी कड़ी में भाजपा ने घर घर गैस के कनेक्शन पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसको लेकर बल्लभगढ़ स्वास्थ्य गैस के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान योजना के बारे में बताते हुए भारत पेट्रोलियम के एलपीजी जिला विक्रय प्रबंधक हिमांशु स्वान ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत फरीदाबाद में विभिन्न गैस कंपनियों ने लगभग 14,000 परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दे दिए हैं, लेकिन उन परिवारों तक भी गैस के कनेक्शन पहुंचाने की योजना बनाई गई है जिनके पास पीपीएल कार्ड नहीं है। इसके अलावा जो लोग 14 किलो का गैस सिलेंडर भरवाने में असमर्थ हैं, उनके लिए 5 किलो के गैस सिलेंडर देने की योजना बनाई गई है, जो मात्र 251 रुपए में रिफिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नई योजना के तहत उज्ज्वला योजना की तरह ही जरूरतमंद लोगों को गैस के कनेक्शन मुफ्त में दिए जाएंगे। परिवार के राशन कार्ड में 18 वर्ष की उम्र तक के लोगों के आधार कार्ड नंबर गैस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि जिन लोगों के पास गैस के कनेक्शन नहीं है, वह जल्द ही योजना का लाभ पाने के लिए अपने नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क करें। मेरे को मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोला गया है, जिसमें अभी तक उज्ज्वला योजना का क्या रहा है अपने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में बताया गया। जैसे कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमने उज्ज्वला योजना में लगभग 14,000 कनेक्शन इश्यू करे हैं, जिसमें कि 9,500 के करीब भारत पेट्रोलियम के हैं और 2,500 के करीब हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एक डिसीजन लिया गया है, जैसे कि पहले हम लोग SCC लिस्ट को देख के कनेक्शन दिया करते थे, बाद में SC ST और अंत्योदय योजना के जो परिवार है उनको लिया गया। अब ये डिसीजन लिया गया है कि जितने भी परिवार हैं फरीदाबाद पूरे भारतवर्ष में जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, वो इस योजना के अंदर आ सकते हैं और इस योजना को ले सकते हैं। इसके लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगाए जा रहे हैं, सभी एजेंसियों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों के घरों में भी कनेक्शन नहीं है, वो इस योजना में आके अपना राशन कार्ड, 18 साल से ऊपर जो उनके वयस्क हैं राशन कार्ड में उनका आधार कार्ड, 2 चीज़ें अनिवार्य हैं, प्लस उनको एक अपना डिक्लेरेशन देना होता है कि वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कि एजेंसी पर उपलब्ध है। यानी कि अगर वो इसको आपकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो कर लेते हैं, उसमें खड़े करते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन मिलेगा। अच्छा, कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनको आज भी जो भरने में असमर्थ हैं, सिलेंडर भरवाने में असमर्थ हैं, सब्सिडी नहीं दे पाते, उनके लिए क्या कुछ स्कीम है? जो लोग 14 किलो का सिलेंडर नहीं भरवा सकते, उनके लिए सरकार ने 5 किलो का सिलेंडर लॉन्च किया है, जो कि वही
डोमेस्टिक रेट पे ही उनको 5 किलो का सिलेंडर मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ उजला स्कीम में जिनको कनेक्शन मिला है उनके लिए है, जो नॉर्मल 14 किलो का ले रहे हैं उनको वही देना है। रही बात सब्सिडी की, सब्सिडी के लिए पहले यह था कि आधार कार्ड हमें लिंक करना जरूरी था, अभी ये कि आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश आधार कार्ड के थ्रू सब्सिडी नहीं जा पा रही है, तो उनके पास एक ऑप्शन दिया गया कि वो अपना बैंक अकाउंट भी जाके एजेंसी पर लिंक करवा सकते हैं, ताकि अगर आधार से नहीं जा पा रही तो बैंक अकाउंट से सीधा उनके सब्सिडी खाते में चली जाए। अमृतसर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पिछले दिनों अमृतसर के लोहारका रोड पर एक घर में 31 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका पुलिस ने अनावरण कर दिया है। इस मौके पर डीसीपी जगमोहन सिंह ने बताया कि पिछले दिनों वारदात को उनके घर में रहने वाले लखविंदर सिंह नामक युवक ने अंजाम दिया था, जो कि उनके घर में काम किया करता था। जगमोहन सिंह ने बताया कि लखविंदर सिंह को सब मालूम था कि उनका कैश कहां था और कैश की चाबी कहां पर रखी गई थी, जिसके चलते उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं डीसीपी जगमोहन सिंह ने बताया कि उन्होंने 2 मोबाइल के 90 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया है, वहीं उन्होंने एक रजिस्ट्री भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने बताया कि अभी लखविंदर सिंह फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 27/11/2018 सुरेश खन्ना जिहड़े आर्मी स्टेट दे विच रहिंदे सी, जो कि रेस्टोरेंट दा काम करदे आ, उन्हां दे घर दे विचों लॉकर दे विचों 31 लाख रुपए दे करीब जिहड़ी रकम जिहड़ी चोरी हो गई सी, जिस वन दे विच सीपी साहब वालों जी एक स्पैशल टीम का गठन किया गया इनवैसटीगेशन टीम का, जिस डी सी पी साढ़े इनवैसटीगेशन ए सी पी क्राइम के सी इंस्पैक्टर पुलिस ने उस वेले भारी सफलता मिली कि जदों ये जोड़े दो दोषियों जरा असी गिरफ्तार कर लिया, करीब 31 लाख रुपया जोड़ा इन्होंने उतों चोरी किया, सारे 3 जन ने साजिश रल के ये एक लखविंदर सिंह नाम का जो व्यक्ति सर केयर टेकर जिदा जोड़ा कि घर के काम करता से, जिन्हों पता हों हर कि जगह कितने पई है, कितने उन्होंने चाबी पई है, और उन्हें उतो चाबी जी है चोरी करके लॉकर खोल के वो जी 31 लाख रुपए जी रकम है चोरी की। इस जो 90 लाख रुपया असी कैश रिकवर कर लिया, 2 मोबाइल रिकवर कर लिया, और 1 लाख रुपया जरा बयाना 20 लाख रुपए की इन्होंने जी रजिस्ट्री कराई, ये दो दोषी जोड़े गिरफ्तार कर ले जो साथी से, जो मेन अक्यूज है जो केयर टेकर से लखविंदर सिंह जोड़ा है उन्होंने गिरफ्तार करने हजे बाकी है। इन्होंने बाकी 2 लाख रुपए के करीब जोड़ा है वो अपने घर के रेनोवेशन ला लिया, ये जो लखविंदर सिंह गिरफ्तार करने जी अलग अलग टीम लाइया है, जल्दी जरा उन्होंने गिरफ्तार कर लेंगे। ये मेन गल ये है कि घर के सीसीटीवी भी लगे हुए थे, पर जोड़े दोषी से दोषी को पता कि घर के सीसीटीवी लगे होने जोड़े पैसे है चोरी करके पहला बाहर सुट दते, उस तो बाद जोड़े दो साथी से पैसे लैके उतों चले गए। थोड़े देर बाद पुलिस जो इनवैसटीगेशन करती रही तो इन्होंने वो पैसों जी वरतों नहीं की, एक जगह इन्होंने दबा के रखे हुए थे, उस तो बाद जो इन्हों पता लग गया भी शायद पुलिस जी है ये इनवैसटीगेशन का जरा अगे नहीं हो रही, चुप कर गई है, और क्योंकि केस ट्रेस नहीं हो रहा तो साढ़े कमिश्नर साहब ने जी स्पैशल इनवैसटीगेशन जी टीम का गठन किया, तो स्पैशल इनवैसटीगेशन टीम ने जो जो बरीकी चैक किया और जिन्हें भी घर के शामिल व्यक्ति से उन्होंने शामिल किया टैक्निकली, और जी उन्होंने सारे पहलू से जरा बरीकी जो जाँच की गल सामने आई कि जो लखविंदर सिंह है वो मेन अक्यूज है, वो क्योंकि घर का केयर टेकर से और उन्होंने सारी गल का पता से, इस संबंध में जो दो दोषियों गिरफ्तार किया तो असं जी हम ये चीज़ा जी हम तक रिकवर कर चुके हैं। बाकी लखविंदर सिंह के हौसले होर भी पता लगेगा कि होर भी कोई ये शामिल सी, 20 लाख रुपए के करीब प्लॉट की रजिस्ट्री है, 1 लाख रुपए का करारनामा है, तो तकरीबन जो हम तक मिला के 21 लाख 67,000 रुपए की जी रिकवरी जी हो चुकी है।
22 दिन पहले एक व्यक्ति ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर कचरे के ढेर में दबा दिया था। मामला जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव मुंडेट खादर का है, जहां गांव के ही किसान अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह ने अपने खेत पर काम करने के लिए चार मजदूर श्रवण, प्रदीप, विनोद और पुष्पराज नौकरी पर रख लिए थे, जो मध्य प्रदेश के निवासी थे, जिनमें पुष्पराज और विनोद चचेरे भाई थे। 13 दिसंबर 2018 की शाम विनोद और पुष्पराज साथ में बैठकर शराब पी रहे थे, जिनका किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया था कि पुष्पराज ने अपने ही चचेरे भाई विनोद के सर में लाठी मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुष्पराज ने दूसरे मजदूर श्रवण की मदद लेकर शव को एक बोरे में बंद कर गांव के ही एक कचरे के ढेर में दबा दिया और श्रवण को भी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके डर की वजह से श्रवण ने इस बात को किसी को नहीं बताया और मालिक को ये बताया कि वह बिना बताए ही गांव चला गया है। लेकिन आज शुक्रवार को श्रवण ने हौसला जुटाकर विनोद की हत्या की बात अपने मालिक अजीत सिंह को बता दी, जिसकी सूचना अजीत ने थाना भवन पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंची और मजदूर पुष्पराज को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुष्पराज के निशानदेही पर शव को कचरे के ढेर से बाहर निकालकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिजनौर के चांदपुर नगर के मोहल्ला सराय रफी निवासी अतिन अग्रवाल पुत्र विजेंद्र कुमार एमरोन कंपनी के बैटरों के व्यापारी हैं। बताते चलें कि वह परिवार के साथ बुधवार को दिल्ली गए हुए थे। चोरों ने इसी का फायदा उठाते हुए घर का ताला तोड़ दिया और घर में घुस गए। कमरों में रखे सेफ अलमारी के ताले तोड़कर सोने के चार जोड़ी कुंडल, 5 सोने की चैन, 2 गले के हार, 1 लॉकेट चांदी में 150 ग्राम के सिक्के, 10 जोड़ी पायल, 40 जोड़े बिछुए, चांदी के बर्तन, करीब 3.5 लाख रुपए के आभूषण सहित 4.5 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि कब तक इस चोरी का खुलासा होता है। रात को मैं दिल्ली गया था, कल दोपहर मेरी वाइफ अपने घर गई हुई थी, ताला लगा के हम लोग निकल गए और रात किसी समय चोरों ने ताले तोड़ के घर में घुस के सारे कमरे तलाशी ली, जो भी अलमारी लगी हुई अलमारी में जो भी ताला लगा हुआ था और तोड़ के उन्हें लगभग 4.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात थे, जिनकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए थी। वो लगभग कितने लाख का नुकसान? अंदाजन 8 लाख रुपए नुकसान तो दिख ही रहा है। क्या पुलिस की तहरीर दे दी आप लोगों ने? पुलिस की तहरीर दे दी हमने। जेवरात नकदी के अलावा सामान मैंने आपको बताया अभी 3.5 लाख रुपए और अन्य सामान को नहीं, अन्य अलमारी में से कोई कपड़ा नहीं निकाला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे थे वो नहीं लिया, कोई अलग से नुकसान नहीं करा, वो तोड़ फोड़ नहीं करा। कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में स्कूली छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्कूल की साफ सफाई के साथ साथ योगा और विभिन्न विषयों पर जानकारी हासिल की। स्कूल में एनएसएस कैंप में दिखाई दे रही बल्लभगढ़ की कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हैं, जिन्हें स्कूल की तरफ से एनएसएस कैंप में भाग लेने का मौका मिला है। यहां छात्राओं को योगा के अलावा साफ सफाई के गुण और लाभ बताए गए हैं। इसके अलावा छात्राओं को यह भी बताया गया है कि किस तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है। डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है तो वहीं छात्राओं को यह भी जानकारी दी गई है कि वे किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। 7 दिवसीय इस कैंप में अधिकारियों ने इस कैंप का निरीक्षण भी किया है और उन्होंने ही इस बारे में जानकारी दी। जनपद शामली में एक दबंग की लाइव गुंडई का मामला सामने आया है। आरोपी दबंग युवक ने एक नगर पंचायत के कर्मचारी की उसके ही कार्यालय में जमकर पिटाई कर डाली। पिटाई की है वीडियो पास में खड़े एक युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कांदा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत एलम कार्यालय का है। नगर पंचायत में क्षेत्र निवासी बिजेंद्र नाम का एक दबंग युवक आया और आते ही कर्मचारियों पर दबंगई दिखाने लगा। यही नहीं, उसने नगर पंचायत में कार्यरत संदीप नाम के कर्मचारी की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। पिटाई का यह लाइव वीडियो पास में ही खड़े एक युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह पूरा वाकया गुरुवार यानी 3 जनवरी का है। पीड़ित नगर पंचायत कर्मचारियों ने आरोपी के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में कार्रवाई न होने पर कर्मचारियों ने नगर पंचायत कार्यालय का ताला बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारी आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने हंगामा शुरू कर दिया और सभी कर्मचारी नगर पंचायत एवं कार्यालय का ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। कर्मचारी का कहना है कि वह तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक आरोपी पर कार्रवाई नहीं की जाती। देखो उधर उनके हाथ पे चोट लगी हुई है, तो इसमें ऐसे तो कोई ना कोई पिटता ही रहेगा। इनकी तो नहीं की, उसका पता भी नहीं था कि वो कौन था जिसने इनके साथ मारपीट की। ये पुलिस के खिलाफ ही लगा रही थी, आरोपी को पकड़ के ले गई और रात जाके छोड़ दिया। पूरी घटना ये थी, वो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आई थी कि आधार कार्ड के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जो नगर पंचायत से जारी किया जाता है। अच्छा, उस प्रमाण पत्र के लिए हमारे जो कार्यालय के जो आदेश हैं उनके अनुसार जिस किसी व्यक्ति का हाउस टैक्स अगर बकाया है तो हम उसे किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करते यहाँ से।
अब उनके ऊपर बकाया था 844 रुपये तो जमा करने के लिए कहा गया भैया जमी से जमा करा दो आपका प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। उसने कहा नहीं मुझे ये लिख के दो कि तुम प्रमाण पत्र बना के नहीं दे सकते। तो उन्हें कहा गया कि भैया ऐसा है थोड़ी देर में चेयरमैन साहब आ जाएंगे आप इंतजार कर लो। फिर क्या हुआ? बस फिर उसने मारपिटाई शुरू कर दी कार्यालय में, सब इधर उधर कर दिया, सारा काम रुकवा दिया हमारा, ऑफिस का सारा कार्यालय रुक गया। फिर आपने पुलिस जान से मारने की धमकी देने लगा, उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जो अन्य कर्मचारी हैं ऑफिस के सोनू मेंबर हैं, इन्हें भी जान से मारने। अब आप क्या कार्रवाई? अब हम कार्रवाई यही चाह रहे कि सर जो भी आवश्यक कार्रवाई हो, जैसे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था वो मुकदमा दर्ज हो और जो भी सुसंगत धाराएं वो उन पे लगे। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का भेल सेक्टर 1 सामुदायिक केंद्र हरिद्वार में आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के माध्यम से नशे के विरुद्ध युवाओं को जागरूक किया गया। प्रतियोगिता के संयोजक शिवा चौधरी, अर्जुन गुलाटी, मुकेश पाल ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के संयोजक वीर गुजर और उमर ने युवाओं को स्वच्छता व शारीरिक स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं इस दौरान प्रतियोगिता में युवाओं ने अपना दमखम दिखाया। सर ये पावर लिफ्टिंग डेडलिफ्ट कंपटीशन है जो हरिद्वार जिले के बीच में हो रहा है। हरिद्वार के लड़के लड़कियां इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें एक कैटेगरी सब जूनियर है जिसमें 19 साल से कम के बच्चे और एक कैटेगरी मास्टर है जिसमें सीनियर कैटेगरी बच्चे, तो वो सब मिलके डेडलिफ्ट का प्रोग्राम है। इसमें हम एक उद्देश्य देना चाहते हैं, एक संकेत देना चाहते हैं इसके थ्रू कि अपने शरीर का बच्चे ध्यान रखें। ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो मोटिवेशन के लिए एक शहर को मैसेज देगी अच्छा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें और उसकी देखरेख करें। सर नशे जाहिर सी बात है छोटे बच्चे आजकल नशे की दौर में ज़्यादा चल रहे हैं, वो नशे की लत बीड़ी सिगरेट ऐसे ये तम्बाकू वगैरह खाने शुरू कर रहे हैं, तो उनको एक संकेत देना चाहते हैं, इस चीज़ से मोटिवेट करना चाहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखो जो आपको सहारा भी देगा और जाहिर सी बात है हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारी सोच भी स्वस्थ होगी और सोच स्वस्थ होगी तो हम आगे देश के लिए कुछ कर पाएंगे और अपने भविष्य के लिए भी कुछ कर पाएंगे। आज हरिद्वार में दूसरी बार हम लोग डेडलिफ्ट चैंपियनशिप करवा रहे हैं और इसमें कम से कम हरिद्वार के ही 70 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और इनका आगे जाके चयन राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए और इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए हम करने वाले। इसके बाद शाम को हम लोग बॉडी बिल्डिंग का उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पहली बार करवा रहे हैं जिसमें करीबन 100 से अधिक खिलाड़ी पूरे उत्तराखंड से गेम खेलेंगे आगे बढ़ेंगे। जनपद सहारनपुर के सरसावा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 16 पेटी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसएसपी सहारनपुर द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत सरसावा पुलिस ने गश्त के दौरान एक कार से 16 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने अनिल पुत्र ज्ञानचंद निवासी शारदा नगर थाना कुतुब शेर को हरियाणा मार्का की अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। शुक्रवार को संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका के कार्यों से जिला अधिकारी को अवगत कराते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया है कि नगर पालिका द्वारा जनता को भारी भरकम हाउस टैक्स के बिल थमा दिए गए हैं और सही करने के नाम पर उनके पास पुराने रिकॉर्ड भी नहीं है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों ने नगर में जगह जगह लगे कूड़े के अंबार की समस्या से भी अवगत कराया। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के बैनर के नीचे मुख्य संयोजक श्री रेवती नंदन जी के नेतृत्व में एक जिलाधिकारी महोदय को नगर पालिका के लिए ज्ञापन दिया है। नगर पालिका में हाउस टैक्स के लिए इतना अन्याय हो रहा है, लोगों को दो दो तीन तीन साल के बिल भेजे जा रहे हैं, वो अपना बिल लेके जाते कि हमने पीछे बिल जमा करा दिए, तो वो कहने का अपना बिल लाओ और ठीक कराओ, हमारे पास कंप्यूटर का कोई डाटा नहीं है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप बिल लाओगे उसको ठीक कराओगे, रसीद लाओगे तो बिल आपका ठीक हो जाएगा, अगर रसीद आप पिछली नहीं लाओगे तो आपका बिल ठीक नहीं होगा, उतना ही बिल जमा कराना पड़ेगा। जब एक संस्था नगर पालिका अपना रिकॉर्ड ही नहीं रख सकती तो आर्थिक बजट कैसे बना सकती है? हमारे ये समस्या बाहर है, ये जनता का शोषण हो रहा है, हाउस टैक्स वाटर टैक्स दो दो तीन तीन बार जमा करा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं और हमने आज इस माध्यम से अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। कूड़े करकट के संबंध में आपने देखा होगा चारों तरफ कूड़े करकट का महाढेर है, कहीं भी आप देख लो चारों तरफ चले जाओ, बीमारी फैल रही, सर्दी में पोल्यूशन हो रहा है, कूड़े करकट की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। आज हमने इस माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है कि आप ये जो हाउस टैक्स का घोटाला चल रहा है इसको दूर कराया जाए, नगर पालिका को अपने रिकॉर्ड कराने की स्तुति करें, एक संस्था इतना बड़ा संस्था जो रिकॉर्ड अपना सही नहीं रखती थी वो नगर पालिका कैसे चलाएगी। शुक्रवार को सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष महासचिव सहित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को चुनाव अधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। इस दौरान सभी ने अधिवक्ता हित में कार्यकारिणी की शपथ ली। वर्ष 2019 की
सिविल बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के लिए आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और उसमें सभी निर्वाचित पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण किया गया। 20 में से 18 लोगों ने शपथ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव प्रशासन, सह सचिव पुस्तकालय, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्य और कनिष्ठ सदस्यों ने शपथ ली।